अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुबह अमित फैक्ट्री से कॉल क्यों कर रहा है? What? तुमने फैक्ट्री में पानी भरवा दिया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सारे मसाले खराब हो जाएंगे, मेरे बेटे तेज के हाथ से ये डील निकल जाएगी। और आंटी जी, पहले पूरी बात तो सुनिए, क्लाइमेक्स तो सुनिए। मैंने मशीन्स और रॉ मटेरियल दोनों का बंदोबस्त पहले से करके रखा है। जैसे ही डील कैंसिल होने वाली होगी, मैं वहां आ जाऊंगी और महान बन जाऊंगी, तेज को और डील को बचा लूंगी। वैसे भी दालचीनी के कंधे पर चोट लगी है, मसाले तो वो कूट ही नहीं सकती। तो इस बार महान दालचीनी नहीं, मैं बनूंगी। फैक्ट्री में पानी घुस कैसे गया? अरे यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फैक्ट्री में स्प्रिंकलर ऑन कैसे हो गया। लेकिन अभी टेंशन इस बात की है कि कल चाइना वाले क्लाइंट को डिलीवरी देनी है, 2 दिन बाद लॉन्च है उनके यहाँ पर। पूरे 1 लाख ऑर्डर है, अगर मैंने टाइम पर मसालों की डिलीवरी नहीं दी तो ये पूरी की पूरी डील मेरे हाथ से चली जाएगी। अब कैसे मैनेज करूंगा मैं सब कुछ? 1 मिनट सर जी, हमारे पास 1 दिन का समय तो है ना, क्यों ना हम मसाले घर पर ही कूट ले। तो दालचीनी ये कोई तुम्हारे किचन के मसाले नहीं है, तुम्हें पता है कितनी बड़ी डील है, हमें कितने सारे मसाले तैयार करने, कितनी ज्यादा सप्लाई करनी मसालों की, मसाले घर पे। और सुनो, तुम्हारी हालत देखिए, तुम इस हालत में मसाले कूटोगी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ आराम करोगी, समझी? ये सब मैं देख लूंगा, मैं अपने किसी दोस्त से या किसी दूसरी फैक्ट्री वाले से बात करता हूँ, वहां पर मसाले पिसवा लेंगे, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, यू डोंट वरी। मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे, चटकी च पेश है बिरयानी रस मलाई वे, सब महक महक दा जावे, दिल बहक बहक दा जावे, लाई है खुशबू मेरी जिनी। ये क्या कर रही हो तुम? आपको जिताने का जुगाड़ ढूंढ रही। दोस्ती की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। आप बस थोड़ा सा सामान मंगवा दो। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है दालचीनी, इतने सारे मसाले हम हाथ से कैसे कूटेंगे? हाँ हाँ दालचीनी, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो होने से रहा। जानती हूँ बहुत मुश्किल है, पर अगर परिवार साथ है ना और बाबा जी की मेहर हो तो सारी चीजें एकदम बढ़िया से हो जाएंगी। और वैसे भी मसाले बनाने की विधि तो हमारी अपनी है ना, तो हमसे बेहतर और कौन बना सकता है ये मसाले? तेज, ये मैं क्या सुन रही हूँ बेटा? कला ने मुझे बताया कि फैक्ट्री में पानी भर गया है मसाले, हमारी डिलीवरी कैसे होगी? मैडम जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाना है। ये पराठे बनाने वाला काम नहीं है, ये बिजनेस है जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे पास सिर्फ 23 घंटे बाकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना यहाँ लेबर है और ना मशीन्स हैं। तो मैडम जी, उसका भी जुगाड़ना हो गया है, सब सिर्फ इतना बताइए कि आप सब लोग साथ हैं या नहीं? हाँ पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। मैं भी। हम तो है ही। मैं भी। तुम्हारा साथ देने से मेरी डील बचती है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। राजरानी पुत्र,
और वैसे दालचीनी तू करने क्या वाली है? क्या प्लान है तेरा? गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे चुटकी च पेश है बिरयानी रस मलाई वे गल्ला मिश्री वर्गी हत्था विच जादू ल्याई वे चुटकी च पेश है बिरयानी रस मलाई वे सब महक महक दा जावे दिल बहक बहक दा जावे लाई है खुशबू मेरी जीनी बुढ़िया जैसा दाल चीनी। अब ये क्या नई मुसीबत है? मुसीबत नहीं है मैडम जी, ये तो मुसीबत से बचने का देसी जुगाड़ है। इससे ना हम कम समय में ज्यादा मसाले कूट पाएंगे। ये सारे ना मैंने अपने पिंड वालों से मंगवाए हैं। लेकिन पुत्र तुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? अरे पानी तो फैक्ट्री में भरा है ना। मना क्या, वहाँ मसाले नहीं कूट सकते, लेकिन वहाँ से लेबर तो घर बुला सकते है ना। सारी लेबर वहाँ फैक्ट्री में पानी निकालने में व्यस्त है। अगर वो लोग यहाँ आएंगे भी तो शाम हो जाएगी और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए लेबर को यहाँ बुलाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। दीदी हर बार तेरे जुगाड़ काम नहीं आएंगे। और मेरी बात सुन, ये मसाले ना विदेश जाने, पिंड में नहीं। और क्वालिटी चेक नाम की एक चीज होती है, सब तुझे नहीं पता होगा, आई अंडरस्टैंड। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना चाइनीज डेलीगेट से बात करके थोड़ा सा टाइम मांगती हूँ, तब तक मैं और आंटी जी कुछ सोल्यूशन ढूंढते हैं। वैसे कला गलत नहीं कह रही है मॉम, अगर बात टाइम मांगने की होती तो मैं पहले ही मांग लेता। आई थिंक हमें दालचीनी को एक चांस देना चाहिए, आफ्टर ऑल मसाले तो उसकी स्पेशलिटी है ना। भरोसा दिखाने के लिए शुक्रिया सर जी, मैं आपका सर नीचे नहीं झुकने दूंगी। चलो चलो अब काम में लगते हैं, वरना बातें करते रह जाएंगे। आइए बताती हूँ। चलो दार जी आओ। निकल गई मेरी, अब नहीं होगा मुझसे। चाची जी रुकिए, चाची जी आप आराम कीजिए, मैं करती हूँ। क्या कर रही हो? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जख्म अभी भरा नहीं है, ये मैं कर लूंगा। और ये पहनो इसे, जाओ। मन तो कर रहा है कि दीदी के चेहरे पर लाल मिर्च लगा दूं। कुछ काम ना सिर्फ औरतों को ही करने चाहिए। ओ माहिया। I'm fine. एक सेकंड। ओहो क्या गुटरगू चल रही है दोनों प्रेमियों के बीच में। बहुत प्यार निकल रहा है दोनों के बीच में,
अब बताती हूँ। कला क्या कर रही है? ठीक तो है? क्या हुआ? दीदी मैं बहुत थक गई तो वो बस पानी वो पिला मैं दीदी। बैठ कर पीना। हाँ हाँ जा बैठ जा। थैंक गॉड टाइम पे हमने अपना टास्क पूरा कर दिया। सारे ऑर्डर के मसाले रेडी हो चुके हैं, बस अब टाइम पे डिलीवरी हो जाए उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा। दालचीनी थैंक यू सो मच। किस्मत हो तो दीदी जैसी, हर बार ये तेज को मुसीबत से बचाकर उसके करीब आती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि इनको अलग करने के लिए करूं तो करूं क्या। ये सब देखकर आपको गुस्सा नहीं आ रहा? फिर से इस गवार लड़की ने बाजी मार ली। मुझे क्या लगा मैं तेरे प्लान पर निर्भर करूंगी? तेरा कोई भी प्लान कभी सफल नहीं होता है। मैंने तो आगे के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। मसाले तो बना लिए इस गवार ने, लेकिन मसालों को डिलीवर भी तो होना है और वो तुम्हें नहीं होने दूंगी। माता रानी आज आपके आशीर्वाद से ना बहुत बड़ा काम हो गया। अगर आज वक्त पर मसाले नहीं बनते ना तो तेज सर जी के हाथ से इतना बड़ा सौदा निकल जाता। ऐसे ही अपना आशीर्वाद ना बनाए रखना ताकि मैं इस परिवार की और तेज सर जी की रक्षा कर पाऊं। What the hell? अरे ब्रेक अभी तो काम कर रहे थे, इन ब्रेक्स को क्या हो गया? ये तो शुक्र नहीं नहीं तेज सर जी को कहती हूँ कि ड्राइवर जी से एक बार पूछ ले कि सारी चीजें ठीक है या नहीं। तेज सर जी है कहाँ? चले गए, लगता है काम के लिए निकल गए होंगे। सब काम होने के बाद ये ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा? मैडम जी क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रही हैं? क्यों पूछ रही है तू? ताकि तू मेरी प्रॉब्लम का हल निकाल कर महान बन जाए। तू घर के दूसरे लोगों को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। और एक बात और कान खोल के सुन ले, तुझे जवाब देना मैं बिल्कुल जरूरी नहीं समझती। आई बात समझ में? देवर जी देवर जी अपना फोन दोगे इस्तेमाल करने के लिए? एक सेकंड और, क्या हुआ? तेज सर जी को फोन करना है। एक सेकंड मैं डायल करके देता हूँ। आप बात कीजिए मैं आता हूँ। साइड साइड आइए। ब्रेक फेल कैसे हो सकते हैं इसके?
सर जी आप कहाँ हैं? दालचीनी मैं मसालों की डिलीवरी के लिए ट्रक लेकर निकला था, बट आई डोंट नो हाउ इस ट्रक के ब्रेक्स फेल हो गए। ब्रेक फेल? क्या कैसे ब्रेक फेल हो गया सर जी बताइए? अरे मुझे क्या पता ब्रेक फेल कैसे हो गए? और ट्रक आप क्यों चला रहे हैं? वो ड्राइवर जी कहाँ है? वो कहाँ है? वो उस ड्राइवर को घर पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे लगा मैं डिलीवरी करने निकल जाता हूँ। पता है ना क्या करना है? ट्रक की ब्रेक सेट करनी है। फोन दे। हेलो मॉम, आई डोंट नो इसके ब्रेक्स कैसे फेल हो गए और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं इसको रोकूं कैसे। अभी तू वो ट्रक क्यों चला रहा था? वो ट्रक क्यों? मैं आ रही हूँ, तू अपनी लोकेशन भेज, मैं आ रही हूँ अभी। मॉम मैं ट्रक लेकर चुन्नी कलन रोड पे हूँ। मैं आ रही हूँ। मॉम मुझे कैसे भी कर। मैडम जी मुझे भी ले चलिए ना। हाँ छोड़ मेरा। याद रख, अगर मेरे बेटे को एक खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकती। क्या करूँ? कैसे रुकूँ इस ट्रक को? वाहेगुरु कुछ तो मदद करो मेरी। ये तो आटे की बोरियां है। हाँ, इससे काम बन सकता है। मेरी जान चली जाए लेकिन मेरे बच्चे पर खरोश भी नहीं आनी चाहिए। भगवान मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। बाबा जी प्लीज मेरे बच्चे की रक्षा करना। बाबा जी प्लीज। ये चुन्नी कलन पहुंचने के लिए छोटा रास्ता है। हाँ ये रास्ता ले लेती हूँ। और ये ट्रक तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इतने ऊंचे बैरिक हटो। दालचीनी 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 हटो सामने से।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।